हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सी एंड किचन में आप सभी का स्वागत हूँ। आज मैं वनीला केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि रोजेड वनीला केक से आपको मार्केट में मिलेगा। बहुत ही बनाना आसान है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिएगा, बहुत ही शानदार केक बनकर रेडी होगा। तो फटाफट हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हाफ कप मिल्क डाल देंगे। रूम टेम्परेचर पे मिल्क है, ठंडा मिल्क बिल्कुल ना यूज करें, इस बात का बहुत ध्यान रखें। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, 1 स्पून वनीला एसेंस, ये सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर इस तरीके से एक छन्नी रखेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप मैदा का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो गेहूं का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या 50-50 भी कर सकते हैं। यहाँ 250 ml का ये कप है। 1/4 कप ये मिल्क पाउडर डालेंगे, मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आपके घर में है तो इसको ज़रूर डालें। 1 tsp बेकिंग पाउडर, 1/2 tsp बेकिंग सोडा, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, ये सभी सूखे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जो हमने मिल्क का मिक्सचर बनाकर रेडी किया था उसको एक बार मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए ओवर मिक्स ना करें, अगर ओवर मिक्स करेंगे तो हमारा केक बहुत ज़्यादा स्पंजी नहीं बनेगा। मिक्सचर अभी ड्राई है, इसमें और मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रूम टेम्परेचर पर ही मिल्क है, इसको भी डाल देंगे और जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से डालिएगा। मैंने 1/4 मिल्क और एक्स्ट्रा लिया था, जिसमें कि थोड़ा सा मिल्क बचा हुआ है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके का मिक्सर बनाकर रेडी कर लें। अब मैंने यहाँ पे 7 इंच का केक टिन लिया है, इसको इसमें एक बटर पेपर लगा दिया, उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। मिक्सर को इस पर डाल देंगे। मिक्सर को देखिए मैंने पोर कर दिया है, उसको 2-3 बार आप टैप कर दीजिएगा जिससे कि एयर बबल्स जो हैं उसके निकल जाएं। ध्यान रखिए मिक्सर हाफ से ज़्यादा ना भरें। यहाँ पे मैं इसको कढ़ाई में बेक करूँगी, आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं कन्वेंशन मोड पर। अभी मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, 10 मिनट से ये स्लो फ्लेम पर गर्म हो रही है, और इस पर मैंने एक स्टैंड रखा है, इसके ऊपर इसको रख देंगे और इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। 20-30 मिनट बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे, अगर हमारा केक बेक होगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, और अगर फिर भी टाइम लगेगा तो 30 मिनट हो गया है। इसको एक बार मैंने चेक किया था तब ये बेक नहीं हुआ था, और अब फिर से इसको देखते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ इसको चेक करें, गर्म होता है। इस तरीके से टूथपिक लें और इसमें बीच में डालें। ये देखिए टूथपिक पूरी क्लीन निकली है, इसका मतलब हमारा केक बेक हो गया है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। 15 मिनट बाद इसको हमें डीमोल्ड करना है, तब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। देखिए 15 मिनट हो गया है, अब इसको हम टच कर सकते हैं थोड़ा सा, और साइड से भी ये देखिए छोड़ने लगा है केक ठंडा होने के बाद। यही हमें एक अच्छी चीज़ होती है, तो इस तरीके से नाइफ से आप इसके साइड्स कट कर दीजिए। केक को कूलिंग रैक पे निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से रख कर आप थोड़ा सा टैप कर दीजिएगा, केक निकल आएगा बहुत ही आसानी से। ये देखिए जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको भी निकाल देते हैं। केक देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना मॉइस्ट बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर मैं आप सभी को एक टिप्स दूंगी, अगर आपका केक बेक करते वक्त ऊपर से हार्ड हो गया हो तो आप कोई कपड़ा या क्लिंग फिल्म जो होती है उससे रैप कर दीजिए, उसका जो मॉइस्ट होता है वो बना रहेगा। लेकिन ये ऑलरेडी देखिए कितना स्पंजी है, सॉफ्ट है, तो इसमें मैं नहीं कर रही हूँ। 2 घंटे के लिए इसे यूं ही ठंडा होने दीजिए, फिर इसकी हम लेयर कट कर लेंगे। बेस ठंडा हो गया है, इसमें लेयर कट कर लेते हैं। तो लेयर कट करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है, अगर आपकी जो केक है उसमें क्रैक्स आए हैं ज़्यादा, तो आपको वो भाग काट के निकालना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया तब भी आपको कट करके निकालना पड़ेगा। ये अभी स्मूथ है, इसमें क्रैक्स ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको नहीं कट करूँगी। इसमें अब इस तरीके से 3 भाग में मैं इसको डिवाइड करूँगी, तो आप पहले निशान लगा लें।
एक इस तरीके से एक कट लगा लें और एक नीचे आप कट लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से इसको कट करना है। केक की आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एक टेबल लेंगे, टर्न टेबल। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लेट में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा बीच में क्रीम लगा देंगे और एक केक बोर्ड रख देंगे इसके ऊपर। केक बोर्ड नहीं है, आप प्लेट में भी रख सकते हैं। क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है, थोड़ी सी क्रीम बीच में लगा देंगे इस तरीके से। केक का सबसे नीचे वाला सिरा मैं इस पे ऊपर इस तरीके से रख दूंगी। और शुगर सिरप मैंने बना लिया, तो 2 स्पून मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया था, उसमें पानी डाल लिया है। तो शुगर सिरप हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको अच्छे से हम मॉइस्ट कर देंगे, इस तरीके से फैला देंगे। केक अगर आपका बहुत अच्छा मॉइस्ट है तो आपको कम सिरप की ज़रूरत है, और अगर नहीं मॉइस्ट है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सिरप डालें। अब इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे और बस आप पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको इस तरीके से फैला दीजिए। क्रीम को इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें एक लेयर लगानी है। केक की जो टॉप लेयर है ये देखिए, मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी। इससे क्या होगा, हमारा केक बिल्कुल इक्वल बनकर रेडी होगा। साइड से भी इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। केक को देखिए कवर कर दिया है, जितना आपसे स्मूथ हो सकता है आप उतना कर लीजिएगा। मैं इसमें ऐसे डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ जिससे कि पूरा केक ही कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा स्मूथ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए केक कवर हो चुका है पूरी तरीके से क्रीम से, और अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए रख सकते हैं, जिससे कि हमारी क्रीम सेट हो जाए। आधा घंटा हो गया फ्रिज में रखे हुए और क्रीम भी अच्छे से सेट हो गई है। तो इसके ऊपर हम रोजेट डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बन के आती है। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पिंक कलर व्हिप क्रीम में ऐड किया है और ये नोज़ल यूज़ किया है जो कि रोजेट बनते हैं, जिससे कि देख रहे होंगे आप। तो बस इससे हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। इस तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे। बीच से स्टार्ट करते हुए एंड में इस तरीके से जाते हुए हमें इस तरीके से छोड़ देना है। यहाँ पर आपको लगे कि बीच बीच में एक खाली स्थान दिख रहा है, तो वहाँ पर आप फिर से इस तरीके से डिजाइन बना दीजिएगा और उसको कवर कर दीजिएगा। देखिए कितना प्यारा डिजाइन बनकर आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा इसमें सिल्वर बॉल से इसको डेकोरेट कर देंगे, बीच बीच में आप इसको डाल दीजिएगा इस तरीके से। आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं इसमें, बहुत ही प्यारी डिजाइन बनकर आती है और बहुत ही प्यारा और टेस्टी केक बनकर रेडी हो गया है। वनीला केक है ये। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।